हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे आज हमारे पास है बच्चों की फेवरेट चेस की गेम। तो दोस्तों चेस जो है ना एक ऐसा गेम है कि बहुत ही लंबे समय से लोग जो है खेलते आ रहे हैं, और ये जो है ना दोस्तों यहाँ पे 5 साल से लेके 99 साल तक के जो है बच्चे लोग नहीं खेलते, बट बड़े लोग जो है इसको खेल सकते हैं। मैंने तो देखा है बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन, 70 साल के सीनियर सिटीजन भी जो है चेस को खेलते हैं अपना टाइम पास करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ चेस बोर्ड के अनबॉक्सिंग रिव्यू के वीडियोस दोस्तों बनाए थे, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वाला चेस जो है इसका नाम है चेस बेस्ट सेलर, यहाँ पे एग्जैक्ट इसका कोई नाम नहीं है, चेस ही खाली इसका नाम है, बट इसकी कंपनी जो है एप्पल फन करके है। तो एप्पल फन की काफ़ी सारी बोर्ड गेम्स आती है दोस्तों, तो इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे इसकी बोर्ड गेम्स के डिफरेंट वीडियोस दोस्तों बनाए हैं, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ISI प्रमाणित है, इसकी कीमत है 245 रुपये। और यहाँ पे आपको पीछे की साइड में चेस को कैसे खेलना है क्या नहीं है, अलग अलग उसके जो कॉइन्स रहते हैं पाउंड्स रहते हैं उसकी क्या यहाँ पे जो है उसकी चाल कैसे चलते हैं वो सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीछे की साइड में, है ना। और वैसे भी आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे बिगिनर्स गाइड फॉर चेस, वो भी आपको कोई बच्चों को जो है मतलब सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज के समय में जो है ना बहुत सारे बच्चे रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं, ब्रेन वीटा को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे चेस भी जो है मुझे लगता है आपके बच्चों को एक बार सिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एप्पल फन जो है दोस्तों यहाँ पे नोएडा बेस्ड कंपनी है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ISI प्रमाणित है। इसके अंदर एक किंग, एक क्वीन, दो बिशप, दो ओके प्लेइंग टू सेट के अंदर जो है ये चीज़ें, नाइट्स, रूक्स, 8 पाउंड्स, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर रहेगी। चलिए अब बहुत इसमें टाइम हमने लगा दिया है, इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोर्ड की क्वालिटी जो है कैसी है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सीक्रेट बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो है ना हमारा मिडिल क्लास है उसके ऊपर ही सभी रूल जो है कानून लागू पड़ते हैं, बाकी जो है ना दोस्तों यहाँ पे कंपनियाँ जो है जैसे ये ISI प्रमाणित है, तो ये ISI का जो है ना ये सरकार जो है एक्चुअल में अभी लीगल तरीके से कैसे जो है पैसा बनाया जाए, तो उसके लिए ही जो है यहाँ पे ये सब नए नए रूल्स जो है निकाल रही है। तो ISI प्रमाणित होना उसका ये मतलब नहीं है कि ये लोगों ने कोई टेस्टिंग वगैरह कुछ किया हुआ है, उसके ऑफिसर जो है वो पैसा खाते हैं और अपनी जेबें भरते हैं और कुछ है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके का बोर्ड है, बहुत यार यूनिक बोर्ड है आप देख सकते हैं, तो और काफ़ी जो हैवी ड्यूटी भी है, और इसके यहाँ पे आपको कॉइन्स मिल जाते हैं, ये वाइट वाले कॉइन्स हैं। तो प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो ये एकदम हैवी नहीं है बट इतने ख़राब भी नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के हैं, तो एकदम हवाएं चल रही है तो ये नहीं यूज़ कर सकते आपको जो है इसको जो है अच्छे से इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आइकॉन्स भी दिए हैं किस कॉइन को कहाँ पे रखना है, तो ये एक रेफरेंस के लिए, बाकी तो जो खेल रहे हैं उनको तो ये इस सब चीज़ों से कोई खास मतलब नहीं रहता है दोस्तों। तो इसको जो है आप ज़रूर से ट्राई करें, मैं भी एक जो है बिगिनर गाइड चेस कैसे खेलते हैं उसकी बनाने वाला हूँ। वैसे मैं एक बहुत बड़ा चेस का कोई प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों, बट फिर भी जो है मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं इसको जो है बनाऊँ जितना मुझे आता है। बिगिनर गाइड तो बना ही सकते हैं कि भाई कौन सी कॉइन कैसे चलती है, बट यहाँ पे जो है ना चेस में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे प्रोग्रामिंग में होता है ना कि कोई एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज को जो है सोचना पड़ता है, तो चेस का भी यही सब फंडा है दोस्तों, तो वही चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आप में से कितने लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग जो है चेस क्या बोलते हैं कि सीखने के लिए जाते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सभी को जो है यहाँ पे हम रख देते हैं दोस्तों। ये हाथी है, घोड़ा है, ये ऊँट है, फिर ये वजीर है, राजा है, सॉरी हाथी है, ये राजा है, और ये जो है पायदान या तो सैनिक है, गुजराती में इसको पायदड़ बोलते हैं, पायदड़ मतलब के पैरों से चलने वाला दल मतलब कि सैनिक। तो इस तरीके से जो है आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो वो ये जो है पहली बार 2 कदम चल सकता है, फिर हाथी जो है ऐसे या तो ऐसे चलेगा, फिर घोड़ा जो है वो 2.5 कदम चलेगा, ऊँट जो है
क्रॉस में चलेगा, बट अभी ऊंट के सामने ये खड़ा है, तो इसको पहले अगर ऊंट को ओपन करना है तो इसको आप कर सकते हैं। फिर कई लोग क्या करते हैं कि है ना, जितना हो सके उतना टाइट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये ऊंट है, उसको यहाँ पे रख दिया, तो अगर इसको ये मारना चाहता है तो सीधा नहीं मार सकता है, अगर ये यहाँ पे खड़ा है फिर ये क्रॉस में इसको मार सकता है, तो इस तरीके से ये चलता है। तो वैसे ये चाल भी इतनी सही नहीं है, क्योंकि दूसरा प्लेयर यहाँ पे इसको चलाएगा, तो इसका अगर ये मैं मारता हूँ तो ये जो है मेरा ऊँट मार देगा, तो इसी रीज़न से इसको यहाँ पे वापस रख देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, राजा को ये ओपन नहीं कर सकता, मतलब कि ये दोनों ऐसे यहाँ पे चला दिए तो राजा जो है डायरेक्ट मर जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं कि राजा को किसी भी तरीके से मारने का जो है पूरा एक चक्रव्यूह बनाना रहता है। वैसे है मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सिंपल सा वीडियो था, मे बी आपको इसको लगा होगा। एक और बात, यहाँ पे जो है इसकी आयुष्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप इसकी जो किनारे है ना, ये सब किनारे आपको दिख रहा है, ये बीच का क्रीज दिख रहा है, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप जो है ना पहले से आप लगा दें। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो ये बोर्ड है उसकी आयुष्य जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आप बार बार इसको खोल बंद करेंगे ना तो यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा, ये किनारी जो है टूटना शुरू हो जाएगी। तो वो टेप लगाने से जो है उसका आयुष्य बहुत बढ़ जाएगा, तो उसको आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं दे दूंगा, और हमने इसके जैसे जितने भी चेस बोर्ड के जो है रिव्यू वीडियोस बनाए हैं, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, एंजॉय योर लाइफ।